सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए एक कोई न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो लेके आ चुकी हूँ। सो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आप लोगों की अपकमिंग एवोल्यूशन गन की स्किन के बारे में। साथ ही गाइस हम लोग बात करने वाले आप लोगों के इलाइट मोको के बारे में, जो की कन्फर्म हो चुकी है, उसकी एबिलिटी आप लोगों को बताऊंगी। साथ ही गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के अपकमिंग इनक्यूबेटर्स के बारे में। साथ ही गाइस हम लोग बात करने वाले हैं OB29 से रिलेटेड काफी सारे अपडेट के बारे में। क्या क्या न्यू न्यू चीजें आप लोगों को नजर आने वाली है उसके अंदर, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना। एंड गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी आप सभी लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हो या फिर मेरे पुराने सब, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी वीडियो एंड अपडेट लेके आती रहती हूँ। एंड अब बेल आइकन को ऑल पे सेट करते हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाती है, जिससे आप मेरी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर पाते हो। सो प्लीज यार बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से कर देना एंड चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सो चलो गाइस अभी मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं पकाती हूँ, मतलब की ज्यादा इंट्रो नहीं देती हूँ, एंड चलते हैं डायरेक्टली अपने टॉपिक्स की तरफ, अपने अपडेट की तरफ, जो की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। सो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना, कि अगर आप लोग स्किप करोगी तो आप लोगों को भाई कुछ भी समझ में नहीं आना। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों के डिस्काउंट इवेंट के बारे में। सो गाइस आप लोग देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों का ये डिस्काउंट इवेंट, जो कि हमारा चेंज द फेथ इवेंट है। एंड आप लोगों को पता होगा ये हमारा जो इवेंट है लास्ट 2 मंथ पहले आया था, ठीक है ना गाइस। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को इस बार डिस्काउंट इवेंट देखने के लिए मिल सकता है। इस बार बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही है कि आप लोगों को डिस्काउंट इवेंट देखने के लिए मिलेगा। एंड उसके अंदर से आप लोगों को इलाइट पास भी देखने के लिए मिल सकता है। ये काफी सारे डाटा माइनर्स ने कंफर्म किया। एंड गाइस आप लोगों का ये चेंज द फेथ इवेंट के अंदर आप लोग देख सकते हो इलाइट पास भी दे रखा है एंड काफी सारे तगड़े रिवॉर्ड्स भी दे रखे हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा ओपी से डिस्काउंट के साथ। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पे आप लोगों को चेंज द फेथ इवेंट के अलावा और भी इवेंट्स नजर आ सकते हैं, मतलब ये नहीं आएगा तो आप लोगों को बिलो डिस्काउंट इवेंट है। एंड गाइस आप लोगों का मिस्ट्री शॉप है, ठीक ना। इस बार बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे इन तीनों इवेंट्स के, आप लोगों को इन तीनों इवेंट्स में से कोई एक इवेंट जरूर से नजर आ सकता है, ठीक है ना। 23 तक आप लोगों को ये इवेंट नजर आ सकते हैं एंड उसके अंदर से आप लोगों को इलाइट पास भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि गाइस हमारे काफी सारे सर्वे के ऊपर ये इवेंट्स आ चुके हैं। आप लोगों का चेंज द फेथ इवेंट आ चुका है, आप लोगों का मिस्ट्री शॉप आ चुका है, साथ ही गाइस आप लोगों का बिल ऑफ डिस्काउंट बहुत सारे सर्वे के ऊपर आ चुका है। सो यार आप लोगों को इन सर्वे के ऊपर भी इन तीनों इवेंट में से कोई एक इवेंट देखने के लिए मिल सकता है। सो आई होप कि गाइस आप लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एंड अगर आप लोगों को अभी भी यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। सो गाइस अब आगे चलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि हमारे OP29 से रिलेटेड होने वाला है। सो गाइस हमारे गेम के अंदर एक न्यू गन आने वाली है, जो कि यार यहां पे कंफर्म हो चुकी है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर T9 की एक गन है, जो कि हमारी पिस्टल होगी, मतलब कि गाइस ये आप लोगों की पिस्टल होगी, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा ओपी सी ये गन है। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं यहां पे आप लोग देख सकते हो ये कितनी ज्यादा ओपी सी लग रही है। एंड गाइस यहां पे अगर ये गेम के अंदर आएगी तो इसका लुक थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई गन यहाँ पे गेम में डाली जाती है तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि वो गेम के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। सो गाइस ये रियल है, ठीक है ना, आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे तो। एंड काफी ज्यादा तगड़ी होने वाली, मतलब कि आप लोगों की जो पिस्टल गन होंगी, ठीक है ना, वो आप लोगों की भाई पहली जो गन्स है उनसे ज्यादा अच्छी निकल सकती है। सो गाइस ये गन आप लोगों को OB29 के अपडेट में बहुत जल्दी नजर आ सकती है, ठीक है। सो चलो गाइस आगे चलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि गाइस हमारा होने वाला है आप लोगों का अपकमिंग इनक्यूबेटर, मतलब कि नेक्स्ट इनक्यूबेटर आप लोग उसे बोल सकते हो। मैं आप लोगों को 2 इनक्यूबेटर दिखाऊंगी, जो कि आप लोगों को यार उन्हें देख के मजा आ जाएगा, मतलब इतने ज्यादा तगड़े से आप लोगों के यहाँ पे इनक्यूबेटर निकल के आए हैं। सो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों का नेक्स्ट इनक्यूबेटर के बारे में, जो कि यार आप लोगों की गन से रिलेटेड होने वाला है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आप लोगों का नेक्स्ट इनक्यूबेटर होने वाला है वो आप लोगों का MP5 का होने वाला है, मतलब कि गाइस यहाँ पे उसके नाम भी निकल के आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हो फ्रोजन लावा करके यहाँ पे निकल के आया है, और यहाँ पे जंगल लावा एंड गैस रॉक लावा, साथ ही गैस मेटा लावा, ये 4 गन होने वाली है आप लोगों की MP5 की, जो कि आप लोगों को इनक्यूबेटर के अंदर नजर आने वाली है। एंड गैस मैं आप लोगों को बता दूं ये आप लोगों को OB29 के अपडेट में ही नजर आएंगे इनक्यूबेटर, ठीक है ना गैस, क्योंकि अभी आप लोगों का हाल फिलहाल इनक्यूबेटर आ चुका है निंजा वाला, आप लोगों ने देखा ही होगा आज रात 12 बजे आ गया था। एंड गैस मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों को MP5 के बाद एक और इनक्यूबेटर नजर आएगा, जिसकी आप लोगों को पता है 2 इनक्यूबेटर
नजर आते हैं, एक आप लोगों का बंडल का होता है, साथ ही गाइस आप लोगों का एक आप लोगों का होता है गन का, ठीक है ना। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि MP5 की अभी यहां पे स्किन निकल के नहीं आई है, सिर्फ नाम निकल के आए जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं आप लोगों के बंडल के इनक्यूबेटर के बारे में जो कि आप लोगों को MP5 के बाद नजर आएगा। सो गाइस आप लोग देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये आप लोगों का होने वाला है बंडल का इनक्यूबेटर जो कि आप लोगों की भाई चाइनीज थीम पे बेस्ड होगा। जैसे कि गाइस आप लोगों की इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रेसेस है जैसे कि साड़ी है एंड कुर्ता पजामा है, ऐसे ही गाइस आप लोगों की चाइनीज की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो है ये वाली ड्रेस जो कि आप लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। सो गाइस यही ड्रेसेस आप लोगों को नजर आने वाली है आपके इनक्यूबेटर के अंदर जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी होंगी। वैसे तो गाइस ये रियल इमेज है जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट गाइस जब ये गेम के अंदर आएंगे तो गेम की तरह यहाँ पे डिजाइन की जाएंगी जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी लगेंगी। सो गाइस ये आप लोगों को नजर आने वाला है बहुत ही ज्यादा जल्दी OB29 के अपडेट में। पहले आप लोगों को भाई गन का इनक्यूबेटर नजर आएगा, उसके बाद गाइस आप लोगों को ये बंडल का इनक्यूबेटर नजर आ जाएगा। सो चलो गाइस आगे चलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है, ठीक है ना गाइस। एंड गाइस आप लोगों को यार देख के मजा आ जाएगा क्योंकि गाइस कुछ ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ पे नजर आने वाली बहुत ही ज्यादा जल्दी जिसके लिए आप लोग भाई वेट करते हो। सो गाइस आप लोग देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोगों का भाई यहाँ पे माइंड पार्टी करके यहाँ पे एक इवेंट निकल गया है जो कि आप लोगों का भाई कलेक्शन पार्टी इवेंट है, बट यहाँ पे आप लोगों को कटाना की सारी स्किन देखने के लिए मिल रही है। वैसे आप लोगों को पता होगा कलेक्शन पार्टी इवेंट के अंदर आप लोगों को कभी इमोट नजर आ जाते हैं, कभी बंडल्स नजर आ जाते हैं, कभी आप लोगों को कुछ न्यू चीजें नजर आ जाती है, बट गाइस यहाँ पे काफी सारे सर्वर के ऊपर कटाना की स्किन नजर आ रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे जो कटाना की स्किन है काफी ज्यादा ओपी है एंड ये इवेंट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि गाइस इसके अंदर आप लोगों को या तो ऑल चीजें आप लोगों को यहाँ पे नजर आ जाती है या फिर गाइस आप लोगों को किसी एक चीज की यहाँ पे पार्टी नजर आ जाती है। मतलब की गाइस आप लोगों की अभी यहाँ पे देख सकते हो कटाना पार्टी चल रही है, कभी आप लोगों को भाई इमोट पार्टी आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो ये इवेंट बहुत ही ज्यादा ओपी है। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं इंडियन सर्वर के ऊपर आप लोगों को शायद से कटाना पार्टी इवेंट नजर आ सकता है। वैसे कटाना की जगह आप लोगों को कुछ और भी यहाँ पे नजर आ सकता है जैसे कि इमोट हो सकते हैं या फिर गाइस आप लोगों के पर्नल हो सकते हैं। सो चलो गाइस अब आगे चलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है। एंड गाइस मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ आप लोगों की इलाइट मोको के बारे में जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा जल्दी गेम के अंदर नजर आने वाली है। एंड गाइस आप लोगों को पता होगा 4 से 5 महीने पहले ही यहाँ पे इलाइट मोको के बारे में कंफर्म हो गया था, ठीक है ना। मतलब कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आप लोगों को बताया था, मैंने भी आप लोगों को बताया था, सबसे पहले बताया था। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं बहुत सारे बंदे ऐसा बोलते हैं कि यार फेक बताते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स की इलाइट मोको के बारे में फेक बता रहे थे, वो नहीं आएगी, मतलब कभी नहीं आएगी। सो गाइस उन्हीं के लिए भाई ये चीजें आप लोग देख सकते हो कि भाई यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है कि आप लोगों को OB29 के अपडेट में या फिर उससे पहले या उसके बाद आप लोगों को इलाइट मोको नजर आने वाली है, ठीक है ना। एंड गाइस इसकी एबिलिटी भी यहाँ पे निकल के आ चुकी है, आप लोग ये पोस्टर तो देख पा रहे होंगे, इसके अंदर गाइस लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि अभी आप लोगों की भाई जो प्रेजेंट एबिलिटी है, ठीक है ना, आप लोगों की जो मोको की एबिलिटी है वो है गाइस आप लोगों की ये कि जब आप लोग किसी एनिमी को हिट करते हो, ठीक है, जब आप लोगों का जो सिंबल आ जाता है आप लोगों के एनिमी पे शो होता है एंड आप लोगों को भाई दिखाई देता है, वो आप लोगों के टीममेट्स को दिखाई देता है, वो गाइस उसका टाइम होता है 5 सेकंड के लिए, ठीक है ना। मतलब फिर उसका टाइम ड्यूरेशन है वो 5 सेकंड के लिए आप लोगों को दिखाई देता है। बट गाइस इलाइट मोको की एबिलिटी कुछ इस टाइप से होंगी कि जब आप लोग भाई किसी भी एनिमी को हिट करोगे, ठीक है ना, जब वो मूव करेगा, ऑब्वियसली सी बात है यार कि जब आप लोग किसी एनिमी को हिट करते हो तो वो भागता है, मतलब कि मूव तो करता ही है। जैसे गाइस वो मूव करेगा तो जो आप लोगों का भाई सिंबल दिखाई देगा उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, मतलब कि जो भाई 5 सेकंड का टाइम है वो आप लोगों को शायद से 8 या 10 सेकंड का दिखाई दे सकता है। तो गाइस ये होगी इसकी एबिलिटी एंड बहुत ही ज्यादा जल्दी आप लोगों को आपकी इलाइट मोको नजर आने वाली है। एंड अभी आप लोग देख सकते हो यहां पे कंफर्म हो चुका है इलाइट मोको के बारे में। एंड मैंने आप लोगों को 5 महीने पहले ही बता दिया था। एंड गाइस अब जाके भाई इलाइट मोको आ रही है, मतलब गाइस जैसे ही कुछ मेरे को लीक्स पता पड़ गए मैं आप लोगों को बता देती हूं सबसे पहले। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना क्योंकि गाइस अभी मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूं वो आप लोगों को 1-2 महीने बाद नजर जरूर से आ जाता है। सो गाइस आगे चलते हैं अभी आप लोगों के नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि और भी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, जो कि गाइस अब आप लोगों का होने वाला है एवोल्यूशन गन के बारे में, जो कि आप लोगों को अपकमिंग एवोल्यूशन की गन की स्किन नजर आने वाली है। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं अगर आप लोगों को भाई वो एवोल्यूशन की गन की स्किन देखनी है तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे सेट करो क्योंकि गाइस बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाली है, ठीक है ना। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं जो आप लोगों की अपकमिंग एवोल्यूशन गन होगी वो होगी आप लोगों की फार्मर्स की। एंड गाइस इससे पहले आप लोगों को नजर आएगी XM8 की, मतलब कि XM8 के बाद आप लोगों को नजर आने वाली फार्मर्स की गन की स्किन जो कि गाइस आप लोगों की घोस्ट थीम पे बेस्ड होने वाली, मतलब कि गाइस आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आ जाएगा फार्मर्स की गन की स्किन को देख के क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ओपी से निकल के आई है एंड यहां
यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। ये पोस्टर तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोगों की जो फार्मस है वो घोस्ट थीम पे बेस्ड होने वाली, मतलब कि घोस्ट फेस यहाँ पे करके कुछ लिखा हुआ है, मतलब बहुत ही ज्यादा ओपी होगी गाइस, क्योंकि भाई जब भूत आता है यार अपने गेम के अंदर तो सब लोगों को मजा आ जाता है, डरावनी सी लगती है वो एंड काफी ज्यादा तगड़ी लगती है। आप लोगों ने देखा होगा जो बाकी के एवोल्यूशन की गन है वो काफी ज्यादा ओपी है एंड उनका जो लुक है वो भी काफी ज्यादा भयानक है एंड काफी ज्यादा तगड़ा है, तो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। एंड जिसमें आप लोगों को बता दूं इसका एक पोस्टर भी निकल के आ चुका है, ठीक है ना। वैसे मैं ये नहीं बोल सकती भाई कंफर्म यही है, बट यहाँ पे उसका पोस्टर निकल के आ चुका है बहुत ही ज्यादा ओपी। सो गाइस आप लोग देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस टाइप से आप लोगों की फार्मस की एवोल्यूशन गन आप लोगों को नजर आ सकती है बहुत ही ज्यादा जल्दी। एंड जिसमें आप लोगों को बता दूं ये शायद से आप लोगों को OV29 या फिर OV30 के अपडेट में नजर आ सकती है, ठीक है। एंड जैसे काफी ज्यादा ओपी होने वाली है, जैसे भाई इसका यहाँ पे निकल के आता है पोस्टर, कुछ भी लीक्स निकल के आती है, कंफर्म यहाँ पे इमेज निकल के आती है, मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाऊंगी। सो गाइस आप लोगों को भाई ये गन कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मुझे तो बहुत ही ज्यादा ओपी लगी क्योंकि भाई इसका जो लुक है काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है। आप लोग ये पोस्टर देख पा रहे हो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, आप लोगों को कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बट हाँ गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो और देखनी है तो आप लोगों को भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। सो गाइस बाय एंड टेक केयर, और हाँ गाइस थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।